अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी पोस्ट करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक्स। बच्चे भी बना सकते हैं खाना। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एग पिज्ज़ा, जो कि बहुत 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 ज़्यादा यम होता है और इतना ज़्यादा यम होता है कि भाई मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है इसे बनाने के लिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ऑमलेट का बैटर और उसके लिए मैंने यहाँ 3 अंडे फोड़ लिए हैं और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और अब इसमें डालेंगे 2.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। और जैसा कि आप सब जानती हैं कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया था तो मुझे इस तरह से ही शूट करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए और साथ ही में इसे मिक्स भी कर लीजिए। और यहाँ मैंने एक बड़ा तवा ले लिया है जिस पर मैंने ऑयल डालकर उसे गर्म कर लिया है और ये सारा का सारा जो बैटर है ये हम इस पर डाल देंगे और अब हम ऑमलेट को अच्छे से कुक होने देंगे। तो भाई ऑमलेट काफ़ी हद तक अच्छे से कुक हो चुका है, तो सबसे पहले हम इसमें ऐसे ओनियन डालेंगे, ऊपर से गार्निशिंग टाइप से डालना है, उसका स्वाद ना जस्ट इट्स सो यम। और साथ में हम डाल रहे हैं कैप्सिकम, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कैप्सिकम यहाँ हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हमें इसमें डालना है टमाटो और टमाटो के बाद डालना है हमें सॉस टमाटो केचप और फिर हम डालेंगे इसमें चटनी भी। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल गया, इसमें मैंने कोरिएंडर भी डाली है। और बस यहाँ मैंने सब कुछ डाल दिया है और अब हम इसे पलट देंगे और इस साइड से भी इसे अच्छे से कुक होने देंगे। और इस ऑमलेट का ना टेस्ट जो है काफ़ी हद तक पिज़्ज़ा की तरह भी आता है, तो इसे आप चाहे तो एग पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं एंड इट्स रियली 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 यम। और यहाँ पर भी ये अच्छे से कुक हो ही रहा है, इसे मैं बार बार पलटता जा रहा हूँ ताकि ये बहुत ही अच्छे से कुक हो जाए हमारा। और ठीक है भाई, तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब आ रही है इसकी सर्व प्लेट। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास एग पिज़्ज़ा रेडी है और दिस इज़ सो यम कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो भाई आपको ट्राई ज़रूर करना पड़ेगा, तभी तो आप जान पाएंगे कि ये कितना ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनको भी इसका मज़ा मिल पाए। तो देखा कितनी बढ़िया तरीके से बना लिया है हमने ये एग पिज़्ज़ा और सच में बहुत बढ़िया होता है, तो ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, इससे आप मुझसे जुड़े रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।